हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको बैंको गैम्बिट की कुछ गेम्स दिखाऊंगा। बैंको गैम्बिट के बारे में हम लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा था, तो वो डिटेल में हम आज उसकी गेम्स पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बैंको गैम्बिट। सब लोगों को पता ही होगा कि मेरे पुराने वीडियो में मैंने बैंको गैम्बिट में कैसे खेला जाता है उस बारे में बताया था। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं d4। ब्लैक खेलता है नाइट f6। बैंको गैम्बिट में फर्स्ट मूव नाइट f6 होता है अगेंस्ट d4। उसके बाद वाइट जब c4 करता है तब ब्लैक खेलता है c5। यहाँ पे d5 और यहाँ ब्लैक पॉन ब्रेक करता है b5 से, और नाइट a3 की एक गेम है जिसमें वाइट ने रिप्लाई दिया था नाइट a3। और ये भी एक लाइन का ही मूव है, ओपनिंग का ही मूव है, इसलिए आपको ये सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि ये गलत मूव है। तो नाइट a3 के बाद वाइट ब्लैक खेल रहा है b4। यहाँ पे नाइट c2, d6, e3, e6, बिशप d3। दोस्तों ये सारे मूव्स है बैंको गैम्बिट डिक्लाइन के, क्योंकि बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड में वाइट एक पॉन अप हो जाता है। तो बिशप d3 के बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया e takes d5। वाइट ने क्वीन f3 और पॉन को पिन किया आफ्टर पॉन टेक्स पॉन। सिंपल प्लानिंग था क्वीन टेक्स a8। ब्लैक ने रिप्लाई दिया है यहाँ पे बिशप g4, क्वीन f4, उसके बाद डी क्रॉस c4। ये इंटरमीडिएट मूव थी ब्लैक की बिशप g4। डी क्रॉस c4 में बिशप क्रॉस c4 आफ्टर d5, क्वीन e5 चेक, बिशप e6, bb5 चेक, nbd7, बिशप c6, rc8, बिशप टेक्स d7 चेक, आफ्टर क्वीन टेक्स d7, वाइट ट्राई टू डेवलप हिज पीसेस, नाइट f3। ब्लैक ने एक वेटिंग मूव किया है h6, नाइट को g5 पे आने से रोकने के लिए, और यहाँ कैसलिंग, और ये कैसलिंग ब्लंडर, क्योंकि बिशप d6 के बाद वाइट की क्वीन ट्रैप, सो ट्रैपिंग द क्वीन इन बैंको गैम्बिट। तो ये थी बैंको गैम्बिट की फर्स्ट गेम। दूसरी गेम दिखाता हूं आपको। व्हाइट प्ले d4, नाइट f6, c4, c5, d5, b5, ए बैंको के पैटर्न में b3, b×c4। ये b3 वाली नई ओपनिंग व्हाइट में बहुत लोग खेलते हैं, b×c4, d6, नाइट c3, g6, व्हाइट प्लेट e4। यहां भी ब्लैक ने, व्हाइट ने बैंको गैम्बिट डिक्लाइन किया है, क्योंकि इसमें भी सेम इक्वल पॉन है दोनों के। आफ्टर e4 बिशप g7, नाइट f3, और यहां पे एक ब्लंडर है, नाइट f3 ब्लंडर क्यों है? आफ्टर नाइट टेक्स e4, नाइट टेक्स e4, और यहां पे बिशप टेक्स a1, विनिंग द एक्सचेंज। तो ये थी दूसरी गेम बैंको गैम्बिट डिक्लाइन की। एक और डिक्लाइन की गेम बताता हूं आपको दोस्तों। ये सब बहुत ही जाने माने प्लेयर्स की ही गेम है। जो लोग यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक करते हैं गेम में और बैंक को प्रिपेयर नहीं होते सामने से,
तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, इसे ओपनिंग ट्रैप भी कह सकते हैं हम। d4 Nf6 c4 c5 d5 b5 Nd2 Qa5 White played e4 After Nxe4 b5 Qxb4 Rb1 Qc3 Rb5 Qd4 चेकमेट की थ्रेट, नाइट क्रॉस e4, क्वीन क्रॉस e4, बिशप e3, g6, नाइट f3, बिशप g7, वाइट प्लेड बिशप d3, qg4, h3, क्वीन g2, रुक h2, और इसमें भी इसमें ब्लैक की क्वीन ट्रैप हो। तो शुरुआत से क्वीन लेके खेलना थोड़ा रिस्की भी है, इसीलिए हम ओपनिंग प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल में बताते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कभी भी चेस क्वीन को डेवलप नहीं करना है। तो ये बैंको गैम्बिट में ब्लैक ने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, क्वीन a5 चेक देके और क्वीन को अर्ली डेवलपमेंट किया, जिसकी सजा उसे मिल गई। नेक्स्ट गेम देखते हैं, ये भी डिक्लाइन की गेम है, नाइट f3 वेरिएशन की। d4 नाइट f6 c4 c5 d5 b5 और यहाँ पे व्हाइट ने डिक्लाइन किया है नाइट f3 b into c4 ब्लैक प्लेड हियर। नाइट c3 व्हाइट ने रिप्लाई दिया g6, व्हाइट प्लेड e4 और यहाँ d6 जरूरी है e5 को स्टॉप करने के लिए। बिशप टेक्स c4 व्हाइट प्लेड, सिंपल डेवलपमेंट, और फिर पॉन वापस बिशप g7। बिशप g7 के बाद e5, d into e5, नाइट क्रॉस e5, दोनों साइड से कैसलिंग, वाइट भी कैसल। उसके बाद ब्लैक खेले थे नाइट bd7 और नाइट c6 एंड वाइट विंस द ई पोन आफ्टर क्वीन e8, क्योंकि क्वीन e8 जरूरी है वरना नाइट into e7। रुक e1 फाइनल मूव थे, रुक e1। ऐसे इतनी बड़ी ट्रैप नहीं है, लेकिन इसमें प्रेशर e7 पोन पे है, रुक और नाइट दोनों का, और फाइनल ये पोन से मिस होगा क्योंकि e6 पॉसिबल नहीं है आफ्टर पॉन टेक्स पॉन और बिशप टेक्स पॉन, और बहुत ही ट्रबल में आ सकता है ब्लैक। तो ये थी बैंको गैम्बिट की फोर्थ गेम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी गेम्स बताऊंगा। अब अलग अलग ओपनिंग की हम गेम्स देखेंगे दोस्तों, और ये गेम आप अपनी कॉपी भी कर सकते हो, इसमें देख के आप अलग अलग तरीके से अपने ट्रैप भी बना सकते हो। तो जल्द ही मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।